नमस्कार दोस्तों, भाई मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूँ जी आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे। जी सभी भाइयों का स्वागत है। तो देखिए काफ़ी अच्छा बिल्कुल शानदार जो KDF फिर रोहतक का दूसरा कंपटीशन है वो चला हुआ है जी। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन। आज जो 22 नवंबर का पहला रिंग है जी वो आप देख सकते हो वो स्टार्ट हो गया है। एक साल तक की जो पहला रिंग है उसमें एक साल तक की जो कटड़ियाँ हैं उससे जो ये रिंग है वो स्टार्ट हुआ है जी। वो आप देख सकते हो, देखिए काफ़ी अच्छी जो कटड़ियाँ रिंग के अंदर आप देख सकते हो। एक साल तक की जो पशुपालक है काफ़ी अच्छी अच्छी कटड़ियाँ रिंग के अंदर लेकर के आए हैं। चारों तरफ आप देख पाओगे तो देखिए एक से एक शानदार जो मुर्रई कटड़ी आप रिंग के अंदर देख सकते हो। देखिए काफ़ी अच्छी जो सामने मंच है KDFA का वो भी साथ में देख सकते हो। 22, 23, 24 नवंबर का माको और साथ में देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी कटड़ियों का जो नज़ारा वो यहाँ पे देखने को मिला। सामने जो ये कटड़ी है वो आप देख सकते हो राजा भाई है होलिया गांव से लेकर जो पिछले बार भी इसकी एक जोटी थी उसने काफ़ी कंपटीशन में अपनी पोजीशन मारी थी। तो आज फिर यहाँ पे आप देख पाओगे तो देखिए एक से एक शानदार मुर्रा का पशुधन। एक साल तक की कटड़ियाँ जो आने वाले समय के भविष्य में इन्हीं कटड़ियों में से जो भैंसे बनेगी और अच्छे दूध पे या जो रिकॉर्ड है उम्मीद है इन्हीं कटड़ियों से करी जाएगी। तो देखिए काफ़ी अच्छी जजों की जो टीम है वो साथ में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी अपने एक एक पॉइंट को ध्यान में नोट करके जजिंग साथ के साथ में भैया अपनी अपनी कटड़ी को खड़ी कर लो जो ताकि उसकी बारी की जांच हो जावे। उनका अलग से यहाँ पे जो रिंग है वो बनाया गया है तो आप और कोई भी अच्छा पशुपालक भाई बिल्कुल बरीकी से इनके बीच में आओ एक चीज को अपनी अपनी कटड़ी के साथ रहो। एक पशुपालक जो यही जोटियाँ अच्छे दूध भी आएंगी ब्रीडिंग में जो एक इनका भी काफी अच्छा योगदान रहने वाला है। काफ़ी अच्छी जो पशुपालक भाइयों ने केयर करके फिर कंपटीशन में लाए हैं बहुत ही अच्छे जो यहाँ पे आपको तैयार मिलेंगे जी। कटड़ियाँ हैं कटड़े हैं सभी के सभी जो अपने काफ़ी ज़्यादा तैयारी पे लेकर के आए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हो देखिए बहुत ही अच्छा रिंग जो अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल शो क्वालिटी रिंग आप देख सकते हो जी। तो ये देखिए जी काफ़ी लंबा मुकाबला चलने के बाद है जो काफ़ी कटड़ियाँ जो रिंग से बाहर चली गई है। सेकंड जो राउंड है वो चला हुआ है कुछ ही देर में जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो निकाल दी जाएंगी। तो आप देख सकते हो देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन जो आए थे इनमें से जो कुछ कटड़ियाँ वो बाहर चली गई है और कुछ जो अभी अंदर मौके पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन है जो रिंग के अंदर आप देख सकते हो। देखिए हर तरीके से आप देख पाओगे चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन आपको देखने ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे पशुधन जो एक से एक बढ़ के आप देख सकते हो। देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी जो कटड़ियाँ रिंग के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल जो एक से एक शो क्वालिटी पशुधन आप देख सकते हो। देखिए बिल्कुल ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छी है। हर पशु की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी पशुओं को लाइनिंग में साथ कर रहे लाइनिंग का जो एक साथ करके फिर उसके बाद है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है वो निकाली जाएंगी वो आप देख सकते हो। तो देखिए जी मुकाबला जो बिल्कुल अंतिम चरणों की हो रहा है तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का निर्णय जल्दी आपके सामने आने वाला है वो आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी रिंग के अंदर जो कटड़ियाँ वो आप देख सकते हो एक से एक शानदार जो एक साल तक की कैटेगरी है उसका यहाँ पे मुकाबला आप देख सकते हो। साथ में जो महाराज जी है वो भी जो रिंग के अंदर अपना जो पशुपालन में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी कटड़ियाँ जो इस साइड सेलेक्टेड कर ली गई है बिल्कुल एक से एक शानदार पशुधन है जो आपको जल्दी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के फैसले होंगे आने वाले वो आप देख सकते हो। देखिए काफ़ी अच्छे जो यहाँ पे मुकाबला चल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड के मुकाबले जल्दी आपके सामने आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कड़ा मुकाबला यहाँ पे चले हुआ है।
तो ये देखिए जी फैसले वो आप सभी के सामने जल्दी आने वाले हैं जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो मुकाबले हैं वो भी आपके सामने आने वाले हैं। तो पहले जो कंसुलेशन में है उसकी बोली जाएगी। ये थोड़े से अलग हो जाओ भाई, फोटो करवाने को 201 नंबर को भाई देखिए 201 नंबर जी जो कंसुलेशन प्राइस है महाराज जी बंदे कंसुलेशन का जो प्राइस है वो आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया मेहनत की है और पूरी इंडिया का मेला है। अगर यहाँ पे सेलेक्ट होते हो, अगर रिंग में भी खड़े रहते हो तो बहुत बड़ी बात है। 201 नंबर कंसुलेशन प्राइस। तो देखिए कंसुलेशन प्राइज स्वीटी मंथ जी गुआना से किन्नर समाज की जो मंथ है वो यहाँ पे आई है। तो क्या नाम है स्वीटी प्रधान का गुआना से? गुआना जी का भाई। तो देखिए स्वीटी प्रधान जी की गुआना से कटेड कंसुलेशन में आई है वो आप देख सकते हो। आगे फिर जो 26 नंबर ये कटेड कंसुलेशन में आई है तो सहगाँव से भिवानी से ये भी कंसुलेशन में रही है जी। और जो आगे बहुत बढ़िया जी महाराज जी, बार बार धन्यवाद। 215 नंबर भी कंसुलेशन प्राइस में बांध लेंगे। बांध रहे महाराज जी भाई, बहुत बड़ा गांव है। 215 नंबर मांडोठी से ये भाई लेके आए। ये जो आगे 220 नंबर पे कंसुलेशन वो भाई। तो देखिए अकालगढ़ जींद से भाई भी कंसुलेशन में रही है आप देख सकते हो। जो आगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 206 नंबर 227 नंबर जो कटड़ी है निदाना रोहतक से निदाना रोहतक से बिल्कुल जो देखिए तीसरे नंबर पे ये कटड़ी रही है। महाराज जी जो इसकी जो माथे में आप देख पाओगे जो देखिए ये देखिए जी KDFA का तीसरे नंबर का येलो कलर जो पीले कलर का 229 की HLDB की M29 की कटड़ी वो आप देख सकते हो। देखिए काफी अच्छी कटड़ी है जी। और आगे दूसरे नंबर पे तो देखिए कौन सा गांव है भाई साहब अपना, कौन सा गांव है? पहलादगढ़। तो देखिए पहलादगढ़ से भाई ये कटड़ी जो काफी अच्छी कटड़ी है जी ये दूसरे नंबर पे आई है HLDB की ये कटड़ी है जी। और वो आप देख सकते हो आगे फिर 234 नंबर पे ये कटड़ी 234 नंबर आप देख सकते हो पहले स्थान पर राउत कटड़ी। ताड़ियां बजाओ एक बार, कितने महीने की होगी ये? 2 महीने 10 दिन की एज है। श्याम बाड़ा क्या बुल की बेटी है? ठीक है, 2 महीने 10 दिन की बेटी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फर्स्ट नंबर पे ये कटड़ी बहुत बढ़िया, एक बार भाई काफी अच्छी कटड़ी है।